भाजपा सरकार में गुंडागर्दी का आलम इस कदर है कि एक ही रात में पिस्तौल के दम पर 5 घरों में लूटपाट हुई। इतना ही नहीं, लुटेरों ने महिलाओं और बच्चों को पीटा और उनके जेवर उतारकर फरार हो गए। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देरी से मौके पर पहुंची। मामला फतेहाबाद जिले के गांव बोडिया खेड़ा का है। यहां सोमवार देर रात्रि करीब 1:15 बजे 4 युवकों ने जमकर लूटपाट की। पीड़ितों के अनुसार 4 लुटेरों में से एक के पास पिस्तौल थी और बाकियों के पास लोहे की रॉड, डंडे व कसी के विंडे थे। उन्होंने छोटे बच्चों को गन पॉइंट पर रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की अभी जांच चल रही है। ये 5 बंदे थे अज्ञात नाम के, जिन्होंने आकर गाड़ी मंगाई और उतर कर गेट तोड़कर अंदर घुस गए गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह की तोड़ फोड़। तो इसमें से 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, 2 को शीघ्र से गिरफ्तार कर लिया। एक मुकदमा 147 के पीड़ितों का कहना है कि उनके घर पर 4 लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया और पैदल ही खेतों के रास्ते से फरार हो गए। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि गांव के बाहर इनका एक अन्य साथी किसी वाहन के साथ मौजूद था। फतेहाबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।